गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये SST सब्जेक्ट है आपका, क्लास 5th, साइन एंड सिंबल्स। हम किसके बारे में इस लेसन में जान रहे थे? ग्लोब एंड मीप। मीप को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि डायरेक्शन, कलर्स, स्केल, साइन एंड सिंबल्स। साइन एंड सिंबल्स, साइन मीन्स क्या होता है? संकेत। सिंबल मीन्स प्रतीक। टू शो द फिजिकल फीचर्स और ह्यूमन मेड थिंग्स ऑन अ सिंगल मैप, कार्टोग्राफर्स यूज कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल। जो फिजिकल फीचर और ह्यूमन मेड थिंग्स होती हैं उसमें मैप पर, तो उनको दिखाने के लिए कार्टोग्राफर होते हैं जो किसका यूज करते हैं? कन्वेंशनल साइन और सिंबल का यूज। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे रिवर आर शो विथ अ क्रूक्ड लाइन। अब मैप में तो हम रिवर तो नहीं दिखा सकते हैं, उसके लिए जो हमारे कार्टोग्राफर हैं वो किसका यूज करते हैं? कन्वेंशनल साइन। रिवर को दिखाने के लिए मैप में क्रूक्ड लाइन का यूज होता है। क्रूक्ड मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन। बाउंड्री ऑफ कंट्री आर शो विथ डैशेस एंड डॉट्स etc। कंट्री की जो बाउंड्रीज वगैरह हैं वो किसके द्वारा दिखाई जाती हैं? डैशेस और डॉट्स के द्वारा। कुछ यहाँ हम आपको कन्वेंशनल सिंबल बता रहे हैं, जैसे मैप में इंटरनेशनल बाउंड्री होगी, उसको हम इस ब्लैक कलर की डॉट के द्वारा आपको दिखा सकते हैं। मेटल्ड रोड, मेटल मीन्स पक्की रोड। पक्की रोड आपको मैप में कैसे देखने को मिलेगी? रेड, रेड कलर की लाइन है ना, वैसे। रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक का साइन आपको ऐसे मिलेगा, रिवर का साइन ऐसे मिलेगा। एक कुछ कन्वेंशनल सिंबल हैं जो मैप में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ हम आपको कन्वेंशनल साइन सिंबल बता रहे हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है। जैसे आपको मैप में मंदिर अगर दिखाया जाएगा तो कैसा पिक्चर होगा? ऐसे बना हुआ है मंदिर के जस्ट सामने ही, वैसे ही। गुरुद्वारा दिखाना होगा तो ऐसे। और जी सारे पिक्चर हैं जो आपको बनानी है और लर्न भी करना है, ये सब क्या कहलाते हैं? कन्वेंशनल साइन, जो मैप में कार्टोग्राफर यूज करते हैं। कन्वेंशनल साइन के द्वारा हम मैप को आसानी से समझ सकते हैं।